बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने जा रहे हैं नान। नान के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून सोडा लिया है बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून हमने शक्कर ली है और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, पानी हसबे ज़रूरत लेना है, दही है हमारे पास आधा कप, ऑप्शनल है, अगर आपके पास दही नहीं है तो बटर मिल्क भी डाल सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैदा डाल दिया हमने इसमें, सब चीज़ें एक साथ जाएंगी। अब इसमें डाल दिया बेकिंग सोडा, नमक, शक्कर। अब हम इसमें डाल रहे हैं दही। दही नहीं है आपके पास तो आप डाल दें इसके अंदर बटर मिल्क। ऑयल गया, थोड़ा सा पानी डालेंगे, हसबे ज़रूरत देख के डालना है कि पानी ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा आटा सख्त रखना है, नान का आटा थोड़ा सख्ती होता है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम इसमें। दो घंटे के लिए इसको हम रख देंगे, 2 घंटे बाद नान बनाएंगे तवे पे। आटा इसका गुन गया है, 2 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे, 2 घंटे बाद हम इसे तवे पे बनाएंगे नान को। नरम नहीं रखना है आटे को, अच्छा सख्त गूंदा है हमने, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। जब नान हम बनाएंगे तो बताएंगे आपको। इस पे आप तिल भी लगा सकते हैं, गार्लिक बटर भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अभी हम बनाएंगे प्लेन नान। नान का आटा हमने गूंद के फ्रिज में रखा था, अब इससे हम नान बनाएंगे। उसको बराबर से बॉल्स बना लेंगे। आटा अच्छा गूंदना होना चाहिए, इससे अच्छी भी लगी आप नान। रेक्टेंगल शेप में से बेलें तो अच्छा बनेगी, और लंबाई में गोलाई में बनाना है तो गोलाई में बनाएं। थोड़ी मोटा बेलना है ताकि तवे पे जाके ये चिपके। आपकी चॉइस, इस पे आप गार्लिक लगाना चाहें बटर गार्लिक लगा सकते हैं। मीडियम फ्लेम कर लेंगे, जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसको डालेंगे। बेल लिया हमने, अब एक साइड पे इस पे हम पानी लगाएंगे ताकि तवे पे जाके चिपक जाए। अब इसको हम पलटेंगे ऐसे और सेकेंगे। हल्का हल्का तवे को हिलाते जाएं कि सारी तरफ से ये सिक जाए। देखिए हो गई, ऑलमोस्ट होने वाली है। इसको हम तल देंगे, मक्खन लगा देंगे इसके ऊपर। अब इस पर बटर लगा देंगे। नान हमारी रेडी है। गार्लिक बटर है हमारे पास, थोड़ा सा क्रश गार्लिक रखा था उसको हमने बटर में मेल्ट किया। पीछे से भी है, अच्छी तरह हो गई है। इस पर भी हम बटर लगा देंगे। तिल वाले नान हो गए या गार्लिक नान हो गए या प्लेन नान हो गए, जब इस तरह से बबल्स आने लगेंगे तो अब हम इसको पलटेंगे, दूसरी साइड से सेकेंगे
और इस तरह तवा हिलाते रहेंगे। डन है, अब इस पर हम बटर लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार नान बनती है, इसको निहारी के साथ खाएं या किसी भी चीज़ के साथ। इसमें हमने एक साइड पे लगाया है बटर, दूसरी साइड भी हम दिखा दें। बन गई है, इसकी सिक गई है अच्छी तरह से।